प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय लोग पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट, ये दो रिजल्ट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन एक तीसरा रिजल्ट होता है इनवैलिड रिजल्ट, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और इस रिजल्ट को भी नेगेटिव समझ लेते हैं। ये सिंगल पिंक लाइन है मतलब नॉट प्रेग्नेंट, और ये डबल पिंक लाइन है मतलब प्रेग्नेंट, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ये सिंगल लाइन जो नॉट प्रेग्नेंट का है, ये सिंगल लाइन किस जगह पर है ये मायने रखता है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, ये सी करके लिखा हुआ है और ये टी करके लिखा हुआ है। सी का मतलब होता है कंट्रोल बैंड और टी का मतलब होता है टेस्ट बैंड। पिंक लाइन टेस्ट बैंड पर है या कंट्रोल बैंड पर है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंट्रोल बैंड और टेस्ट बैंड दोनों पर अगर पिंक लाइन है तो पॉजिटिव रिजल्ट है, और अगर कंट्रोल बैंड पर सिंगल पिंक लाइन है तो नेगेटिव रिजल्ट है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, ये पॉजिटिव रिजल्ट है। कंट्रोल बैंड और टेस्ट बैंड दोनों पर पिंक लाइन है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में डार्क लाइन है, लेकिन ये दूसरे पिक्चर में जो लाइन है वो लाइट पिंक है मतलब हल्का सा गुलाबी। अगर ये हल्का सा भी गुलाबी अगर लाइन आता है टेस्ट बैंड पर, दोनों लाइन में अगर आता है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है, और ये होता है नेगेटिव रिजल्ट। कंट्रोल बैंड पर सिंगल पिंक लाइन है लेकिन टेस्ट बैंड पर कुछ नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव है, और ये होता है इनवैलिड रिजल्ट। आप देख रहे होंगे कंट्रोल बैंड और टेस्ट बैंड, यहाँ पर टेस्ट बैंड पर सिंगल पिंक लाइन है, लेकिन वो पिंक लाइन कंट्रोल बैंड पर नहीं टेस्ट बैंड पर है। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल पिंक लाइन टेस्ट बैंड पर है तो वो रिपोर्ट इनवैलिड होता है, और अगर टेस्ट किट में एक भी लाइन नहीं है तो मतलब टेस्ट किट खराब है। तो ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।